हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होगे। और सॉरी, सो सॉरी, मेरा ब्लॉग बहुत लाइक आई थिंक ऑलमोस्ट 2 महीने बाद आ रहा है अगर मैं ये पोस्ट कर रही हूँ तो। एक्चुअली क्या है ना, कॉलेज मतलब जैसे हम लोग का रिजल्ट आया उसके बाद से कॉलेज एडमिशन और ये सब वगैरह में बहुत टाइम जाता है, तो उसके बाद फिर पता नहीं चला। मैं एक्चुअली भूल गई थी कि मैं एक यूट्यूब नाम के प्लेटफॉर्म पे भी हूँ जहाँ पे मुझे एक्टिव रहना पड़ता है। मैं एक्चुअली इंस्टाग्राम पे बहुत अपडेट हूँ, मतलब एक्टिव हूँ बहुत, बट वॉट यूट्यूब पे बहुत कम हूँ। याद आता है कि हाँ, मैं यूट्यूब पे भी मेरा किसी नाम का चैनल है जिसमें मैं वीडियो बनाती हूँ, और व्लॉगिंग के लिए मतलब आपको एक्टिव होना पड़ता है। तो कुछ चीज़ शेयर कर रही थी, करती हूँ। एक तो ग्वालियर की गर्मी इतनी भयंकर है ना, मतलब लाइक ये सितंबर चल रहा है और सितंबर के महीने में इतनी गर्मी हो रही है, क्योंकि जबकि यहाँ बारिश हो जानी चाहिए। एंड मैं बाकी चीज़ें देखती हूँ न्यूज़ पे तो लोग मतलब बाढ़ आ रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है, यहाँ मतलब बूंद का एक ड्रॉप भी नहीं है पानी का, सूखा पड़ा है यहाँ। पता नहीं क्या होता है, हमेशा का यही हाल है। मैंने FEA ज्वाइन किया है। FEA मतलब लाइक वहाँ पे आपको इंग्लिश सिखाई जाती है, मतलब लाइक कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश जो होती है वो आपको सिखाया जाता है, आपको हेजिटेशन आपकी रिमूव की जाती है, और जो भी मतलब आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जाता है वहाँ पे। तो मुझे जैसे इसके बारे में पता चला तो मैं एक दिन डेमो के लिए गई थी, एंड सीरियसली मैं बहुत इन्जॉय किया, मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मतलब लाइक वहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट का एक अलग ही रूप बनाया, जैसे हम हमेशा इंग्लिश समझ के आते हैं ना कि हमको कॉन्सेप्ट समझना है और याद करना है और वही पेपर में लिख के आना, नहीं, वहाँ पे इंग्लिश का पूरा एक अलग ही वर्जन है। मतलब लाइक वहाँ पे एक्टिविटीज़ प्ले होती हैं, वहाँ पे बहुत अलग अलग यूनिक चीज़ें होती है, रोल प्ले होता है, आप मतलब बस अच्छा होता है। तो कल है 2 अक्टूबर, तो यार व्लॉगिंग की आदत छूट गई है, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, वेट। तो मैंने FEA ज्वाइन किया, उसमें मतलब लाइक मुझे करीब 1 महीने से ऊपर हो चुका है मैं FEA ज्वाइन किए हुए, एंड मैं थोड़ा इम्प्रूव कर रही हूँ, थोड़ा मुझे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। सो दिस संडे वी हैव डिसाइडेड दैट वी हैव टू गो ऑन अ गुरुद्वारा टू एक्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू क्लीन दैट एरिया बिकॉज हमें वहाँ जाना है। मैं आ गई हिंदी पे, बस थोड़ा बहुत दिखाना होता है। तो हम वहाँ जाएंगे और थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करेंगे। तो ये व्लॉग मेरा कल तक कंटिन्यू रहेगा। वहाँ पे मैं आपको काफ़ी लोगों से मिलवाऊंगी भी, जो मेरे दोस्त बने हैं और जो मेरे क्लासमेट्स हैं और जो मेरी टीचर हैं। मैं आपको मोस्टली कोशिश करूँगी मैं सब इसमें कवर अप करूँ, और कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब लाइक मैं बहुत लेज़ी पर्सन हूँ, मैं सीरियसली बहुत लेज़ी पर्सन हूँ, बट लाइक मैं भी चाहती थी कि कभी कभार संडे को कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, एंड इंस्टेंट ये इवेंट निकला, क्योंकि उस दिन है भी बहुत स्पेशल डे और फिर करना चाहिए हर किसी को, तो वो भी हो रहा है, तो ये द बेस्ट पार्ट है। तो फिर मैंने भी ज्वाइन कर लिया कि लाइक हमें भी जाना चाहिए। तो मेरे 3-4 दोस्त हैं जो मेरे बहुत लाइक बहुत अच्छे है दोस्त हैं, लाइक महक, नितिन, एंड मेरे एक दो और दोस्त हैं जो वो लोग जा रहे हैं। तो मैं कल आपको उन सब से मिलवाऊंगी, कोशिश करूंगी ये व्लॉग मैं पूरा कंप्लीट करके पोस्ट करूं, बिकॉज अगर मैं ये व्लॉग भी डाल पाई तो फिर आई हैव नो आइडिया कि मैं क्या फिर शूट करूंगी। तो कि मुझे कल का पार्ट जो हम कल करेंगे वो मैं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, जिससे ये व्लॉग के लिए कॉन्टेंट भी हो जाएगा और एक ये अच्छा मैसेज भी जाएगा। सो स्टे ट्यून गाइज, मिलते हैं हम, मैं इस ब्लॉग को अब डायरेक्ट कल कंटिन्यू करूंगी। ओके बाय। I'm ready for climbing. Guys, हमारी देखो स्वेटिंग कितनी हो चुकी है, हम बड़ी दूर से निकलते कुछ दूर चलते, मतलब हम लोग थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके थे और हमसे आगे सब पहुंच गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, हम सबसे लास्ट हैं।
ये देखिए मेरा ये कहना है, अगर इनमें से कोई भी नीचे गिरा तो मैं सबसे नीचे वाले टॉप पे पहुंचूंगी, नीचे फ्लोर पे धरती को छू दूंगी, ग्राउंड पे, ग्राउंड ग्राउंड। अभी हम आधे आधी हवा आधी जमीन पे है, तो मेरे को अजाब मत यार। कचरा एंड लॉट्स ऑफ मूंग। फ्रेग्रेंस, आपकी फ्रेग्रेंस गिर गई। मैंने भी बहुत देर में जूस कराया। अपना एफए के बारे में थोड़ा बताइए, आपको क्या लगता है? एनजीओ, एनजीओ बहुत अच्छी, मैं हिंदी में बोलूंगा, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ अभी। ओके ओके, तो एफए एक एनजीओ बहुत जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इंग्लिश स्पोकन हमें अच्छे से सिखा रहा है, 1 ईयर का कोर्स है। यस, एंड दे आर आवर फ्रेंड। यस, इन एफए वी कैन एनहांस आवर पर्सनालिटी कम्युनिकेशन स्किल एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, प्रद्युम से अबाउट एफए। FPA is a branch is a 1 year course free of cost. Yes. यहाँ जो मिल रहा है वो मुझे कहीं पैसे दे के भी नहीं मिल रहा। Okay. The course duration is minimum 1 year. Say. Okay. तो हम ये सही कर रहे हैं ना, एटलीस्ट कहीं फेंक तो नहीं रहे हैं, इसलिए बहुत साथ दिया हमारा उसमें। ये आकाश, यहाँ पे ना ब्रेक नहीं लगते हैं तो बहुत समझ के चल रहे हो। ये पूरी पूरी टीम पीछे आ रही है, आ नहीं रही है, उसको ही ग्रेविटी ला रही है। Thank you.
और घंटे के बटन दबाते हैं।